हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मंजू सक्सेना फ्रॉम हरी माया इंटरनेशनल स्कूल। पढ़ाई घर से अभियान में आज मेरा क्लास है, क्लास सेवेंथ, और सब्जेक्ट है मेरा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैं आपको उसका सेकंड चैप्टर पढ़ा रही थी, वर्ण विचार, जिसमें कल मैंने आपको वर्णों के भेद बताए थे। वर्णों के भेद स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसमें स्वरों के भेद में पढ़ा रही थी, जिसमें उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के तीन भेद होते हैं, जो मैंने कल आपको बताए थे। आज मैं आपको बनावट की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद होते हैं ये पढ़ाने जा रही हूँ। बनावट के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। पहला देखिए मूल स्वर। जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो वे मूल स्वर कहलाते हैं। योग का मतलब होता है किसी से मिलकर ना हुआ हो, किसी का उसमें कोई मिला ना हो, ठीक है। जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो, योग मतलब मिलना होता है, ये चार हैं। आ ई ऊ री, इनमें कोई और स्वर नहीं मिला है। आ ई ऊ री, ये जो चार स्वर हैं ये मूल स्वर हैं, इनमें कोई और स्वर नहीं मिला है। परंतु री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका उच्चारण र ई अधरा और ई स्वर के योग से होता है। री री ऐसे बोलते हैं ना, तो लगता है जैसे रा और ई हो गया, इसलिए इसको अब मूल स्वर नहीं माना जाता है। तो आपने देखा कि मूल स्वर जो है चार होते हैं, आ ई ओ, लेकिन अब री को नहीं मानते तो तीन ही हो गए। फिर दूसरा आपका संधि स्वर। संधि माने होता जोड़ना। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में सात है। संधि माने होता जोड़ना, ठीक है। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, आ प्लस ई ए, आ प्लस ए ए, यहाँ पे आ प्लस ई है तो कैसे बोलोगे, आई, तो आई हो गया। आ प्लस ए ए, आ प्लस ऊ ओ और आ प्लस ओ आओ। तो आपने यहाँ पर बनावट के अनुसार स्वरों के भेद होते हैं दो, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे होते हैं जिनमें जिन स्वरों का निर्माण में किसी का योग नहीं होता है। जो तीन होते हैं उसमें चार दिए हैं, बट बताया जा रहा है कि ऋषि अब नहीं है। फिलहाल हम इसको चार ही पढ़ेंगे, आ प्लस ई सॉरी आ ई ऊ री। फिर दूसरा संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आए ओ औ, ये सात होते हैं, सात संख्या में है, तो ये संधि स्वर होते हैं। ओके, तो आज आपको बनावट के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं ये क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी फेयर कॉपी पे। बनावट के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर संधि स्वर, फिर आपको मूल स्वर के अंदर लिखना है उसकी परिभाषा, फिर संधि स्वर के अंदर लिखना है। तो आज आपको ये होमवर्क भी करना है और उसको पढ़ना भी है। ओके, गुड डे।